कुछ ही दिनों में है रणवीर और आलिया की शादी और आज फिल्म फेयर के पेज से ये वाला फोटो अपलोड किया गया है, तो सोच ही सकते हो कि हाँ बहुत ही जल्दी शादी होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने फ्री हैंडली ये वाला जो आउटलाइन है वो ड्रॉ किया है। हाँ, फ्री हैंडली एकदम लूमिस मेथड से, कोई ग्रिड मेथड नहीं यूज़ किया है। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ब्रश स्ट्रोक का नॉर्मल पेंसिल सेट और ब्रश स्ट्रोक का जो ग्रे पेपर होता है वो आप लोग चाहो तो नॉर्मल व्हाइट पेपर में भी कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ पर रणबीर कपूर के फेस से सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ। ड्राइंग करने के समय सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि जो फेस का एंगल है वो किस दिशा में है। यहाँ पर देखो मैं एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन देकर वो एंगल को बना रहा हूँ। थोड़ा ऐसे लेफ्ट का साइड हिला हुआ है, आप लोग जो रेफरेंस फोटो साथ है उसके साथ मिलाकर देखो। ये हो जाने के बाद पूरा फेस को तीन समान हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, मतलब फोरहेड से एकदम चिन तक तीन समान हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो ये करने के बाद देखो ऊपर के हिस्सों में मैंने जो यहाँ पर जो फोरहेड का शेप है वो थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ। फिर मैं जो आईब्रोज है उसे बना रहा हूँ क्योंकि साइड वाला फेस है तो यहाँ पर जो आँख है वो थोड़ा छोटा ही दिखे, तो उसके शेप को बहुत ही अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आँख से ही एक फेस को रिकग्नाइज करने में ज़्यादा आसानी होता है। तो इसे बहुत अच्छे से देखकर करो, मतलब शेप्स को पहले पहचानो कौन से एंगल में है, स्ट्रेट लाइन से करो, पहले ही ज़्यादा डिटेलिंग मत करो। मैं यहाँ पर HB पेंसिल से बहुत ही हल्के हाथों से कर रहा हूँ। आप लोग और भी कम ग्रेड के पेंसिल जैसे कि HB के नीचे 2H हो गया तो उससे भी कर सकते हो, जितना हल्का हो सके उतना हल्के से करो ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, देख सकते हो मैं मिटा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो वो फिर से आप लोग मिटा कर ठीक कर सको। आफ्टर डूइंग सो नीचे का जो यहाँ पर स्माइल का एरिया है वो करना है। सभी आप लोगों को साइड फेस में जैसा होता है वैसा करना है, सिर्फ आप लोगों को रेफरेंस फोटो के साथ मिलाकर उसमें जो स्ट्रेट लाइंस है फेस में, जो स्ट्रेट शेप्स है उसे समझना है और उसे यहाँ पर कॉपी कर लेना है अपने ड्राइंग शीट में। मैं यहाँ पर रेफरेंस फ़ोटो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वैसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्री हैंड ही ड्रॉ करो, पर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है फ्री हैंड ड्रॉ करने में तो आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रिड मेथड से भी कर सकते हो या फिर और एक काम कर सकते हो, जो रेफरेंस फ़ोटो है उसे प्रिंट कर लो, प्रिंट करके मेजरिंग टेक्निक में मेजर करते हुए ड्रॉ करो, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो आलिया भट्ट का फेस है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर भी सेम ही वही करना है, फेस का जो एंगल है उसे वर्टिकल लाइन से ऐसे दिखा देना है और उसके बाद फेस को तीन समान हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट हिस्सा होगा फोरहेड के लिए, सेकंड नोज़ के लिए, थर्ड नोज से लेकर चिन के लिए। तो ये कर लेने के बाद आप लोग जो ये जो वही बेसिक जो शेप्स है फेस का वो बनाने की कोशिश करो, ऊपर से नीचे की तरफ आओ। तो आई होप आप लोग अगर अच्छे से ध्यान देकर पूरी बारीकी से एक एक जो लाइंस है वो देखकर अगर ड्रॉ करोगे तो आपका ड्राइंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी बीच आप लोगों को बता दूँ, आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली मैसेज करके। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है artistic.dipankar, आप लोग सिंपली सर्च करके भी निकाल सकते हो। तो वहाँ पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा अकाउंट देखो, ड्राइंग्स देखो और आप लोग चाहो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो बैक टू द ड्राइंग, आप लोग देखो कितने बारीकी से मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ फेस का। और ये हो जाने के बाद मतलब बेसिकली पूरा ड्राइंग मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से कर लेने के बाद फिर से इसे थोड़ा टाइम देकर फिर से इसे ऑब्जर्व करूँगा, ड्राइंग के साथ जो फोटो है उसे मिलाऊँगा और फिर जो छोटे छोटे चीज़ है वो ठीक करने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली पूरा ड्राइंग करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख के उसके बाद फिर से मैं इसे
जो रेफरेंस फ़ोटो है उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन टेक्निक से अच्छे से मिला रहा हूँ फिर से कि कोई जगह पर कोई गलती हो गया है कि नहीं। यही आप लोगों को करना है, मतलब सेल्फ क्रिटिसाइजेशन करना है। आप लोग पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करो, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो वैसे, और फिर से उसको लेकर ऐसे देखो कि ये आपका ड्राइंग नहीं है, कोई और किया है, तो आप लोगों को उसको जज करना है। तो आप लोग खुद से जज करो खुद के ड्राइंग को, और फिर मिलाओ रेफरेंस फ़ोटो के साथ, मिला के देखो कि हाँ यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक करने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, और वो करने के बाद एक फाइनल आउटलाइन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये कर लेने के बाद पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे कलर पेंसिल से कलरिंग करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर ब्राउन पेंसिल से जो आउटलाइंस है वो फिर से बना दे रहा हूँ, और जो पेंसिल लाइंस है वो थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। तो ये कर लेने के बाद आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कलरिंग है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना दोस्त, अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं किया हो, और जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी क्लिक कर दो, क्योंकि कल या परसों ही मैं इसका जो कलरिंग है वो डालने वाला हूँ। तो हाँ, स्टे ट्यून रहना। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।